नमस्कार, जय सेल्सी। मैं ओम प्रकाश सारण, टीम सेल्सी शिखर से। तो देखो बच्चों, आज आपके टेस्ट सीरीज का पहला पेपर है, ठीक है ना? तो उसको बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि सीएलसी की टेस्ट सीरीज है ना, और आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। क्योंकि सीएलसी की टेस्ट सीरीज बहुत से बच्चे ज्वाइन किए हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। 700 प्लस लगभग 65 बच्चों ने अचीव किए हैं, जिसके अंदर 43 क्लासरूम से है, बाकी टेस्ट सीरीज से, ठीक है? तो पहला पेपर अपने मोल कंसेप्ट प्रोडक्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्वेश्चन नंबर 151 के है। एक एलिमेंट दे रखा है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है। मास नंबर पूछा, तो बेसिक सा कंसेप्ट है। मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर हमेशा किस में किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का इक्वल। तो 18 + 21 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 39। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस टू आयन। आर हीलियम प्लस आयन ये है 0.529 इनटू एन स्क्वायर। सेकंड ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और आर बेरिलियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3, तो 0.529 इंटू एन, एन थर्ड ऑर्बिटल 3 का स्क्वायर अपॉन 4। तो दोनों का रेशियो आप निकालो, तो ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या आएगा? 9। और ये कितना हो जाएगा? 2, 4 यानी 8 अपॉन 9 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153, आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ सीयू, सीयू के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 है। कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो 14 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? N2 के अंदर। दो एनर्जी, टू रेडिएशन की एनर्जी दे रखी E1 अपॉन E2, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना आपके पास? 400/800, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1/2 आ जाएगा। E2 बराबर क्या आ जाएगा? 2E1 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? J इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। N की वैल्यू आप 5 पुट कर दो, तो 2.5 H अपॉन पाई आंसर आपका आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और रेडियस पूछिए आपको लिथियम प्लस 2 की, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.53 इंटू एन। ग्राउंड स्टेट में पूछा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3, तो यह रेडियस आ जाएगी 0.176 एंगस्ट्रॉम। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 157, आइसोटोन्स यानी न्यूट्रॉन्स आपको चेक करने, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने? 44। इसमें भी न्यूट्रॉन्स 44 है और इसमें भी न्यूट्रॉन्स 44 है, तो सेकंड और फोर्थ हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी E बराबर h nu, hc अपॉन लैम्डा और hc nu bar, यानी कि ऑल ऑफ दीज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपसे और इसकी वेवलेंथ पूछिए, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। कितना है? 3×10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी? 1.5×10⁴, तो ये आपके पास आ जाएगा 2×10⁻⁶ मीटर। इसको नैनोमीटर के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, तो 2000 नैनोमीटर आ जाएगा आपके पास, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 160, आपको इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है और एटॉमिक नंबर और एन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, गलत कौन सा? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2.188×10⁶ Z अपॉन एन। वी और एन के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो वी और एन के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करें तो हाइपरबोला आएगा, ठीक है ना? ऐसा ग्राफ कभी नहीं आएगा, तो यही हो गया, गलत हो रहा है, बाकी सब सही है। इन एन एटम द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि आप वेलोसिटी है वो क्या होती है? जेड अपॉन एन, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी क्या होगी? कम हो,
इफ एन एटम द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ये गलत हो गया, तो ए सही है, आर गलत है। फोर बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन बामर, बामर के लिए एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो, और एन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीन, चार, पांच। फॉर बाल्मर सीरीज वेवलेंथ ऑफ दैट लाइन विल बी मैक्सिमम फॉर विच एन वन इक्वल टू फोर एन टू इक्वल टू सिक्स, और तो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, कोई भी फॉर एनी सीरीज, कोई भी सीरीज की बात करो, फॉर एनी सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, बाकी वेवलेंथ धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। हाँ, तो इसके अंदर आर क्या हो गया, गलत हो गया, ए सही है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्राउंड स्टेट द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसको कौन सा वायलेट करता है, तो पॉली ने बोला कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन, तो पहला सही है। दूसरे के अंदर क्या होगा, दूसरे के अंदर देखो लोअर एनर्जी जो सबसे अलग उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किए, इसका मतलब ये अब प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, ये पाउली के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, गलत स्टेटमेंट पूछा, द नंबर ऑफ ऑर्बिट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल, सही है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, ये भी सही है, एन एटम हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये गलत हो गया, ऑल एस ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल सिमेट्रिकल इन शेप, बिल्कुल सही है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी आप देखोगे एन प्लस एल से, तो इसमें एन प्लस एल की वैल्यू फोर, इसमें भी फोर, इसमें फाइव और इसमें थ्री, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, सी की, उसके बाद में एन प्लस एल की वैल्यू अगर सेम है तो आप किसकी वैल्यू देखोगे, जिसमें एन की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो इन दोनों के अंदर एन की वैल्यू ज्यादा क्या है, फोर है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसके बाद में ए, उसके बाद में बी, और सबसे कम क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा डी, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोल कितने होंगे, मोल होंगे 10/100, 0.1 मोल होंगे, तो 10 मोल पहला गलत हो गया, 0.1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, 0.1 ग्राम एटम, ग्राम एटम का मतलब मोल, तो कैल्शियम के कितने हैं, 0.1 मोल है, तो दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में मोल कितने हो जाएंगे, 3.2/32, 0.1 मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 0.1, और ऑक्सीजन में कितने, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनटू एनए हुए, तो 1.6 एनए आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.9 ग्राम H3PO4 है, उसमें ऑक्सीजन के आपसे मोल पूछे हो, तो मोल आप इस कंपाउंड की निकालो तो 4.2/98, यानी कि 1/20 मोल आ जाएंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन तो 1/20 इंटू 4, तो 1/5, यानी कि 0.2 आपके पास मोल आ जाएंगे किसके, ऑक्सीजन के। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CuNH2, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज है, नाइट्रोजन की कितने एटम है, 2/14, यूरिया का मोलर मास कितना होता है, 16/100, तो ये आ जाएगा 46.6%, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसके अंदर आपको वॉल्यूम पूछे तो मोल कितना जाएगा, 0.1, 4.4/44, तो 0.1 मोल CO2 का आ गया, वॉल्यूम कितना आएगा आपके पास, 0.1/22.4, तो 2.24 आ जाएगा लीटर, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। द नंबर ऑफ मोल ऑफ K2Cr2O7 रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ SN+2, तो देखो SN+2 है वो किस में जाएगा, SN+4 में,
तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन, उसका मोल एक दे रखा है, तो मोल ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू, इसके मोल की बराबर कर दो तो इसका मोल एक और इसका एन फैक्टर कितना है, दो है, क्योंकि ये SN+2 से SN+4 के अंदर जाएगा, तो ट्रांस इलेक्ट्रॉन दो होगी, इसका एन फैक्टर कितना होता है, सिक्स, तो इसके मोल निकाल सकते हो, तो मोल कितने आ जाएंगे आपके पास, 2/6 यानी कि 1/3 आ जाएंगे, है ना, यानी दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपको बराबर करने, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SN+2। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, इसको बैलेंस करना है, तो पहले आप रिडक्शन ऑफ रिएक्शन लिखो, उसके बाद में ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लिखो, तो एक रिएक्शन आपके पास हो जाएगी MnO4-1, जो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट होगा, Mn+2 में, यानी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 है। दूसरी है C2O4-2, C2O4-2 से CO2, इधर कार्बन के दो एटम तो इधर भी दो एटम, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो। अब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर दो, दो दो दो, इसको किससे कर दो, पांच से, 5 × 2 = 10 और इधर 10, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आएगा, 2 MnO4-1 +5 C2O4-2 और इधर आ जाएगा 2 Mn+2 और 10 CO2। अब देखो कार्बन और मैंगनीज क्या होगी, बैलेंस होगी, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो इधर कितने ऑक्सीजन है, 8 28, इधर है 20, तो 8H2 कर दो, 28 हो गया, और इधर कितना होगा, 16H+7, तो आपके पास A, B, 2, 5 और 16 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रिएक्शन Br2O से किस में जा रहा है, Br-1 में, यानी यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहां पे +5 है, तो यहां पे तो क्या हो रहा है, रेड्यूज, और यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ब्रोमीन है, बोथ रेड्यूज एंड ऑक्सीडाइज दोनों टेंडेंसी शो करेगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ ओ एस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ एच ओ एच, देखो एक तो प्रोक्साइड लिंकेज होगा क्योंकि इन पे चार्ज क्या है, -1 -1 हो रहा है। अब देखो दो सल्फर होगी, एट ऑक्सीजन होगी, दो हाइड्रोजन होगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, +6 आ जाएगा। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द गैसेस Fe+2 इन द ग्राउंड स्टेट, Fe+2 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d6, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होगी, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स इन ए 16 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटम को आप क्या लोगे, मोल, तो ये क्या हो गया, 16 मोल ऑक्सीजन हो गया, और ये 16 ग्राम ऑक्सीजन है, इसमें मोल कितना आएगा आपके पास, 16 अपॉन ऑक्सीजन को आप डायटोमिक लोगे तो 32, ये तो मोल आ गया 1/2, और यहाँ पे मोल आ गया 16 ऑक्सीजन के मोल, तो क्या दोनों में एटम सेम हो सकते हैं, बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, और वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज ए डायटोमिक, ये सही है, इसका ए गलत है, आर सी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। 177 बोथ 106 सोडियम कार्बोनेट हो, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, तो 106/106 मोल कितना आ गया, 1, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो यहाँ कार्बन का कितना एटम है, 1 एटम है, और 12 ग्राम कार्बन उसके अंदर भी मोल कितना आएगा आपके पास, 12 ग्राम कार्बन में भी मोल कितना आएगा, 1 आएगा, और कार्बन का एटम भी 1 ही है, ठीक है। बोथ कंटेन 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन विथ कंटेन 1 6.022 × 10⁻³ कार्बन एटम हो रहा है, तो इस क्वेश्चन के अंदर
फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि 1 ग्राम एटम कार्बन के अंदर 6.023 × 10³ एटम्स होते हैं। नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है? तो देखो, रेडॉक्स रिएक्शन ये नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि 0 से +2 ऑक्सीडेशन और ये +1 से 0 रिडक्शन दोनों हो रहे, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिलीज होते हैं, तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? और इसके अंदर अभी अपने देखा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +6 होगा, इसमें ओस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर +8 होगा, इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +8 कभी नहीं हो सकता, अपने ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो H2SO5 में अपना ऑक्सीडेशन नंबर देखें कितना होगा, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो यह इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +6 होगा, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन का आपको एग्जांपल देखना, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक एलिमेंट का होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +1, 0 और +2, तो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन का एग्जांपल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये +4 से 0, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन तो 4 होगी, इक्विवेलेंट मास इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू इसका मोलर मास होता है 64/4, तो ये 16 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल नाइट्रेट एंड, यानी कि 1 मोल नाइट्रेट आयन है NO3-1, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5 है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे कोई नाइट्रोजन होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +1, तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, सेकंड का है। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहां पे +5 है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहां पे एन की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 2, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ KIO3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इक्विवेलेंट मास, तो यहां पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर -2 से 0, इसका आयन फैक्टर तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो N2H4, यानी कि आपको पर मोलिकुल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो 4 हो गया, तो इसका इक्विवेलेंट मास आपके पास आ जाएगा 32/4, 8 आ जाएगा, और इसका KIO3, इसका आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इसका आयन फैक्टर देखो पहले आप, ये +5 से किस में जा रहा है, +1 में, तो इसका भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 4, तो 4 से आपको डिवाइड करना है, तो KIO3 इसका आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा 39, 127 और 48, तो ये 4 हो गया, 2, 214, तो 214 आ जाएगा, तो लगभग लगभग ये 53 के आसपास आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये +6 से +3 में, एक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, लेकिन Cr2Cl में 2 क्रोमियम है, तो 6 का हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 1 मोल H2SO4 विल नॉट एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकाल लो, जितने H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे उतने बेस के आने चाहिए, तभी वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, तो 1 × H2SO4 का इफेक्ट कितना होता है, 2, तो 1 × 2 हो रहा है, तो H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा, तो बेस का भी 2 होना चाहिए, तभी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इसका 2 कर देगा, 1 × 2 ये भी कर देगा न्यूट्रलाइज, 0.5 × इसका इनफेक्टर 2, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट आपके पास थर्ड वाले का कितना है, 1, और इसका कितना है, 2, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। +3 ऑक्सीडेशन हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 का होगा, ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, इसका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि नेचर में ये नेचुरल स्टेट के अंदर प्रेजेंट है,
यहाँ पे 2x ऑक्सीजन का माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 1 आ जाएगी, और यहाँ पे माइनस 2, तो 0 प्लस 1 और माइनस 2, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल इसी का आएगा, बाकी किसी का आ नहीं सकता है, क्योंकि आई 3 माइनस 1 है, तो 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, तो इसी का फ्रैक्शनल आएगा। 191, 16 ग्राम ऑक्सीजन में आपको क्या दे रखना है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या लोगे, O2 लोगे, और तो मोल आपके पास कितने आ जाएंगे, 1/2 मोल आ जाएंगे। अब आपको ऑप्शन में देखना किसमें मोल 1/2 आ रहा है, तो 32 ग्राम SO2 के अंदर मोल कितना आएगा आपके पास, 1/2, जितने मोल होते हैं उतने ही मोलिक्यूल्स होते हैं, 32/64 आ जाएगा इसका मोलर मास, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो मोल इक्वल है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि मैग्नीशियम प्लस 2 और कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2, तो MgCO3 हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। कि 8.4 ग्राम में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या पूछी है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास आप देख लो कितना हो गया इसका, 60 हो गया, तो मोल कितना आएगा आपके पास, 8.4/84 यानी 0.1 मोल आ गया आपके पास। ऑक्सीजन की एटम्स आपसे पूछे, ऑक्सीजन के एटम कितने, 3, तो 0.3 × Na अवोगाड्रो नंबर आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 193, 12 ग्राम मैग्नीशियम कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ पूर्ण अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा, तो Mg+½O2 से MgO, ये ऑक्साइड बन गया। 12 ग्राम मैग्नीशियम का मतलब हाफ मोल, मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है, 24, तो 1/2 मोल हो गया, तो इसके एक मोल के लिए इसका 1/2 मोल चाहिए, जस्ट हाफ चाहिए, इसका जस्ट हाफ कितना होगा, 1/4 मोल ऑक्सीजन चाहिए, और मास आपको कैलकुलेट करना था 1/4 × 32, तो कितना ग्राम चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है, मोलरिटी में वॉल्यूम आता है, मोल फ्रैक्शन डिपेंड नहीं करेगा, ये W/W ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन भी नहीं करेगा, ओनली मोलरिटी करेगा, मोलरिटी टेम्परेचर से क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वॉल्यूम है वो टेम्परेचर से क्या होता है, अफेक्टेड होता है। टू स्मॉल m के अंदर विलेय की मोल फ्रैक्शन पूछी, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, 1000x/(1 − x)·mv, mv के मास ऑफ सॉल्यूट, एक्वस सॉल्यूशन है तो आपको वाटर का मोलर मास पुट करना है, मोलरिटी कितनी दे रही, 2, ऊपर आ जाएगा 1000x से, नीचे 1 − x(mv) कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो यहां से आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, तो यहां से मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी आपके पास, ये आ जाएगी, इसको सोल्व कर लेना। दो एसिडिक सॉल्यूशन आप मिक्स किए तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी m इक्वल टू क्या होगा, m1v1 यानी 5 × 250 प्लस 750 × 0.2 / v1 + v2 कितना हो जाएगा, 1000, तो ये हो जाएगा 1250 प्लस 150/1000, तो ये 1.4 के राउंड हो जाएगा, 1400/1000, तो 1.4 m आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम हाइड्रोजन को 100 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो जल का मास पूछा है, H2+½O2 से क्या हो जाएगा, H2 बन जाएगा, H2 कितना दे रखा, 100 ग्राम में कितने मोल होंगे, और 50, और ये 100 ग्राम ऑक्सीजन है तो 100/ कितना आ जाएगा, 32, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.33 लिख लो आप, 34 लिख लो, इतने मोल आ जाएंगे। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट देखो, तो ये 50/ इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो ये भी 50 आ जाएगा, और ये 3.34/1/2, तो ये आपके 6.68 आ जाएगा, तो कम कौन सा है, ये तो O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो हाफ मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, हाफ मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, 1, तो इतने से कितना बनेगा,
तो जस्ट इसका डबल कर दो तो 6.68 इंटू 18, तो ये लगभग 112 ग्राम के आसपास जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 है भाई, 3 ग्राम हाइड्रोकार्बन दे रखा है ऑन कंबसन ऑफ, तो कौन सा कंजर्वेशन ऑफ मास लागू होगा, हाइड्रोकार्बन सी एक्स एच वाई प्लस ओ टू से एक्स सीओ टू प्लस वाई बाई टू एच टू। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट दे रखा है वो क्या है, एक्स प्लस वाई बाई फोर दे रखा है, किसका, ओ टू का। तो कौन सा रूल्स इसके अंदर फॉलो होगा, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या, मास ऑफ प्रोडक्ट है क्या, 3 प्लस 11.2, ये क्या हो गया 14.2 ग्राम हो गया। प्रोडक्ट कितना है 8.8 और 5.4, तो ये 2, ये भी 14.2, तो मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लो आपके पास फॉलो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का मास अगर प्रोडक्ट के मास के इक्वल है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल फॉलो होगा। 2 मोल दे रखे H2S की, इसके आपको 2 मोल दे रखे और 11.2 लीटर H2 गैस दे रखे, तो इसका हाफ मोल आपके पास हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरे हिसाब से कौन सा हो जाएगा, SO2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके मोल के एक कम है, इसके एक मोल से इसके 3 मोल बन रहे, तो इसके हाफ मोल से कितने बनेंगे 3/2, यानी कि 1.5 मोल किसके बनेंगे, एस के बन जाएंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 3 ग्राम CO2, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी इन द सैंपल, परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी। तो ये इम्प्योर सैंपल आपको दे रखा है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे और तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। CO2 का आपको 3 ग्राम दे रखा है तो इसका मोल आपके पास कितना आएगा 3/22 आ जाएगा। इसके मोल से आप सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल निकालो, इसके मोल आएंगे आपके पास 24 आएगा यहाँ पे, तो 44 आ जाएगा, तो ये 6/44 हो गया। अब इसका मास निकाल लो, रहे तो मास आएगा 6/44 × 84, तो ये 11.5 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली इसका क्या आएगा, मास आएगा। तो 12.5 ग्राम है, उसके अंदर 11.5 ग्राम क्या है, प्योर है, बाकी सब क्या है, इंप्योरिटी है। तो परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11.5/12.5 × कितना जाएगा 100, ये लगभग 91% के राउंड आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो पेपर काफी सिंपल पेपर था, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर था, NCERT बेस्ड पेपर था, तो नो डाउट आपका अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच JSLC।